बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग ज्ञान के तथ्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि ज्ञान के तथ्य कौन कौन से हैं, अर्थात कि ज्ञान का किस किस रूप में हम ज्ञान को अपने सराउंडिंग में अपने आसपास हम देखते हैं। क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि ज्ञान हमारे सराउंडिंग, नॉलेज हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर मतलब कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहते हैं कि उससे हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त ना होता हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान या नॉलेज जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द फैली हुई स्प्रेड है, उसमें किस तरह से हम उसका स्वरूप किस तरह से हमारे सामने आता है। तो इसके पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने ज्ञान के जो एक ज्ञान अमूर्त है, अमूर्त रूप में भी प्राप्त होता है, मूर्त रूप में भी प्राप्त होता है, और ज्ञान को हम लोगों ने सार्वभौमिक और स्थानीय रूप में भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है। यानी कि ज्ञान की जो अवस्थाएँ या ज्ञान के जो मूल आधार हैं या ज्ञान जो जिस रूप में हमारे सामने आता है उसको हमने देखा। उसमें से हमने दो चीज़ें हम लोग अब तक देख चुके हैं कि ज्ञान स्थान सार्वभौमिक भी होता है और ज्ञान स्थानीय भी होता है। सार्वभौमिक जिसमें कि सभी व्यक्तियों के द्वारा, संपूर्ण विश्व के द्वारा जिसे स्वीकार किया जाता है, और स्थानीय यानी कि जो व्यक्ति विशेष समुदाय, विशेष धर्म, विशेष जाति विशेष या स्थान विशेष, संस्कृति विशेष के व्यक्तियों के द्वारा जिसे अपनाया या स्वीकार किया जाता है। ज्ञान अमूर्त है यानी कि वह ज्ञान अमूर्त रूप में भी हमारे सामने होता है जो कि हमारी काल्पनिक क्षमताओं के आधार पर, चिंतन के आधार पर या दार्शनिक चिंतन के आधार पर वो हमारे सामने उपलब्ध होता है या विद्यमान होता है। ज्ञान अमूर्त भी है जो कि उसका स्वरूप आकार संरचना के रूप में हमारे सामने विद्यमान होता है। अर्थात कहने का मतलब कि ज्ञान जहाँ सार्वभौमिक और स्थायी और स्थानीय अवस्था में होता है, वहीं पे मूर्त और अमूर्त अवस्था में भी ज्ञान को हम समझ सकते हैं या ज्ञान हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ज्ञान सर्वांगिक भी होता है और ज्ञान व्यापारिक भी होता है। मतलब इसका थर्ड पॉइंट जो हमारा आ रहा है, ज्ञान सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। सैद्धांतिक भी है व व्यावहारिक भी। व्यावहारिक दोनों अवस्थाओं में, यानी कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अवस्थाओं में, दोनों रूपों में ज्ञान हमारे सामने उपस्थित होता है या हम दोनों रूपों में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सैद्धांतिक है यानी कि थ्योरेटिकल है, अर्थात कि जिसके बारे में हर चीज सैद्धांतिक रूप में हमारे सामने रखी जाती है या हम उसे समझते हैं, यानी कि उसकी हर बात को केवल हम सुनते, पढ़ते या समझते मात्र हैं, उसका हम व्यवहारिक उपयोग नहीं करते हैं। केवल एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल यानी कि केवल ज्ञानात्मक अवस्था में वह वस्तु हमारे सामने उपस्थित या तथ्य हमारे सामने होता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल पक्ष वह अफेक्ट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति कुछ कार्य करता है, उसे कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ वर्क होता है, वर्क एक्सपीरियंस उसे वहाँ से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान सैद्धांतिक रूप में भी हमारे सामने पाया जाता है और व्यवहारिक रूप यानी कि प्रैक्टिकली भी हमारे सामने वह पाया जाता है। तो आज हम शुरुआत हम यहाँ से सैद्धांतिक ज्ञान से हम करेंगे। ज्ञान की सैद्धांतिक अवस्था यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान किस किस तरह से हमारे सामने, उसके कौन कौन से आधार होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आधार होता है यह व्यवहार का आधार है।
व्यवहार में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे अपने बिहेवियर उसको एक्ट हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान का जो पहला सैद्धांतिक ज्ञान का जो सबसे पहला है आधार वह है यह व्यवहार का आधार माना जाता है, बिहेवियर का सोर्स माना जाता है। फिर वर्णन पर आधारित बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन वर्णन पर आधारित होता है, क्योंकि इसके अंदर हर बात को वर्णनात्मक रूप से उसकी व्याख्या की जाती है या उसका वर्णन एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है या एक्सप्लेनेशन। जैसे अब इस समय हम जो कुछ मैं जो कह रही हूँ या एक्सप्लेन जो कर रही हूँ वो एक सैद्धांतिक पक्ष ही कहा जाएगा या इसे हम व्यवहार थ्योरेटिकल जो है सोर्स हम कहेंगे, क्योंकि हम इस समय जितनी भी बात कर रहे हैं वह थ्योरेटिकल कर रहे हैं, हम सैद्धांतिक रूप से उस बात को समझ गए सुन रहे हैं। तो यही चीज है कि ज्ञान की जो ज्ञान का जो दूसरा आधार है या ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है वह वर्णनात्मक अवस्था में हमें प्राप्त होता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन पोजिशन या स्टेज पे हमें यह प्राप्त होता है। अगली बात इसके अंतर्गत जो आती है वह है विचारों से संबद्ध। विचारों से संबंध यानी कि रिलेशन विथ व्यूज, यहाँ पर इनका संबंध विचारों मात्र से होता है। मेरे क्या व्यूज है, आपके क्या व्यूज है, क्योंकि हम इस जैसे मैंने कहा कि ज्ञान के तथ्य क्या क्या है, किस किस रूप है, तो मैंने कहा कि सैद्धांतिक अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स अलग होंगे, आपके विचार अलग होंगे, मेरे विचार अलग होंगे। जब अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तब आप इसे अपने विचारात्मक अपने व्यूज प्रेजेंट करने की पोजीशन में आते हैं, देन यू कैन प्रेजेंट ऑल योर व्यूज। तो वो जो व्यूज हैं वो सारे थ्योरेटिकल होते हैं और मैं जो विचार रखूंगी वो मेरे अपने थ्योरेटिकल व्यूज कहलाए चाहिए। कहने का मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है या जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका जो दूसरा तीसरा आधार है वह विचारों का विचारों से इसका संबंध होता है, व्यूज से इसका रिलेशन या इसका संबंध होता है। अगली बात इसके अंदर आती है मनोविज्ञान का संबंध। मनोविज्ञान का संबंध रिलेशन विद साइकोलॉजी, ठीक है, इसका संबंध मनोविज्ञान से होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बात कही जाती है वो व्यक्ति की रुचि क्षमता योग्यताओं के अनुकूल लिखी सुनी समझाई जाती है, अर्थात यहाँ पर मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, या यो कहा जाए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके अंदर इस बात को ध्यान में रखा जाता है या साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो व्यक्ति के अनुसार उसके उसके समझने योग्य जिससे कि वो इजीली समझ सके, उसको ग्रास कर सके, उसके बारे में खुद एक्सप्लेन कर सके, यानी कि उसकी अपनी क्षमताएं हो, उसकी रुचि हो, उसकी योग्यताओं हो, उसके अनुसार जो भी सिद्धांत या थ्योरेटिकल तथ्य उसके अंतर्गत लिखे जाते हैं वो उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल होते हैं। तो कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक से मनोविज्ञान से इसका संबंध कैसे होगा, मनोविज्ञान से संबंध ऐसे कि जैसे वह जो कुछ भी सैद्धांतिक बात लिखी गई है वह व्यक्ति की स्तरानुकूल होगी, उनकी योग्यता के अनुकूल होगी, उनकी क्षमताओं के अनुकूल होगी, यानी कि एक बच्चे के अपने कहना चाहिए कि वो जिसको इजीली समझ सके, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो,
जिसको कर लेने की उसमें कैपेबिलिटी हो, इन पर डिपेंड होकर मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए थ्योरेटिकल जो थ्योरी है, सिद्धांत है या नॉलेज है, उसका जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक होता है। अगर ये मनोवैज्ञानिक नहीं है तो ये मानकर चलिए कि बालक के लिए इसको समझना, इसके बारे में इसको समझ कर ग्रहण करना और उसके अनुकूल कोई कार्य कर पाना संभव नहीं। अभी बात जो इसमें है वो है रुचि से संबंध। रुचि से संबंध, रिलेशन विद इंटरेस्ट, क्योंकि इसका संबंध निश्चित है कि रुचि से ही होगा, इंटरेस्ट से ही होगा, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज तथ्यों को या जो भी हम नॉलेज उसके अंदर कलेक्ट करते हैं, सैद्धांतिक रूप से किसी चीज को थ्योरेटिकल रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो क्योंकि वह सैद्धांतिक अवस्था में है, थ्योरेटिकल पोजिशन में है, ऐसे में आवश्यक नहीं है कि कोई उसको पढ़ ले, क्योंकि सबके रीडिंग की आदत नहीं होती, हर कोई रीडिंग पढ़ने की रुचि भी नहीं रखता है, तो ऐसे में कोई जरूरत नहीं कि वो उसको पढ़ ले या उसके बारे में कोई, क्योंकि उसको जब पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी रुचि ही नहीं है, रीडिंग में कोई रुचि नहीं है, तो निश्चित है कि वो उसको नहीं पढ़े। लेकिन अगर उसे एक रोचक तरीके, इंटरेस्टिंग तरीके से अगर उसके अंदर तक संकलित किया जाता है तो अपने आप बालक उसे समझने या पढ़ने में रुचि लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो रुचिकर होती है, जब तक उसे रुचिकर या इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए इसका जो संबंध होता है, इसका जो रिलेशन होता है वह इंटरेस्ट से ही होता है। अगली बात इसमें वो आती है क्रियाशीलता का अभाव। क्रियाशीलता का अभाव यानी कि इसमें लैक ऑफ एक्टिविटीज पाई जाती है, एक्टिविटीज की यहां पर अभाव पाया जाता है, उसकी कमी पाई जाती है, यानी कि बिहेवियर सॉरी यहाँ पर किसी भी तरह की प्रैक्टिकली या यह कहा जाए कि कोई भी क्रियात्मक कार्य उसके अंदर बालक को करने का अवसर नहीं मिलता है, कोई चांस नहीं होते हैं कि बच्चा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी को एक्ट करे। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ इवन एक्टिविटी है, किसी प्रकार की कोई आपको प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है, तब भी वहाँ पर सैद्धांतिक नॉलेज के अंतर्गत या ये कहा जाए कि थ्योरेटिकल नॉलेज के अंतर्गत उसको उस प्रैक्टिकल के सैद्धांतिक पक्ष को ही पढ़ने का अवसर मिलता है, यानी कि इसमें उसका थ्योरेटिकल पार्ट ही वो समझ पढ़ पाता है। इसीलिए इसमें एक्टिविटीज की कोई संभावनाएं विद्यमान नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता की कोई संभावना उसमें नहीं पाई जाती। उसके बाद में है अमूर्त ज्ञान से संबंध। अमूर्त ज्ञान से संबंध, रिलेशन विद नॉलेज, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का मूर्त संरचना आपके सामने नहीं होती, सैद्धांतिक के अंतर्गत जो भी है वह अमूर्त अवस्था में पुस्तक में लिखा हुआ होता है, यानी कि उसका भौतिक स्वरूप हमारे सामने, आकार स्वरूप संरचना या उसकी यूं कहा जाए कि फिजिकली वो कोई भी तथ्य हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता है, हमारे सामने वो नहीं होता है। इसीलिए इसके अंतर्गत जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वह अमूर्त ज्ञान पर आधारित मानी जाती है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है तर्क एवं चिंतन का प्रभाव। तर्क एवं चिंतन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लॉजिक एंड थिंकिंग,
इसके अंदर लॉजिक और थिंकिंग का इफेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से अगर किसी बात को हम समझाना चाहते हैं तो निश्चित है कि हम उसके लिए डिफरेंट बहुत सारे लॉजिक रखेंगे, बहुत सारे इसके लिए फैक्ट थिंकिंग्स को अलग अलग थिंकर्स की थिंकिंग को उसके अंदर प्रस्तुत करेंगे और उस चीज को उस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम ज्ञान को समझाने का प्रयास करेंगे व्हाट इज नॉलेज, तो अब इसके लिए बहुत सारा चिंतनात्मक विचारधाराएं आपके अलग अलग दृष्टिकोण से, कहीं हम लोगों ने इसको सूचना और ज्ञान में अंतर को देखा, मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर को देखा, हमने स्किल और नॉलेज में अंतर को देखा, हमने एजुकेशन एंड नॉलेज में अंतर को देखा, हमने ट्रेनिंग एंड नॉलेज में अंतर को देखा। तो ये क्या है, ये एक तरह के तार्किक जो एक लॉजिकल व्यूज हैं, जो कि ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि नॉलेज है क्या। हम हर चीज में या तो सैद्धांतिक कुछ विचारकों के या चिंतकों के जो थॉट्स थे हमने उनको देखा, उनके बारे में हमने इसको समझा, या हम अब लॉजिकली उसको समझने का प्रयास कर रहे। तो कहने का मतलब जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसके अंदर लॉजिक एंड थिंकिंग का ही ज्यादा समावेश होता है या वो ज्यादा उसके अंदर पाई जाती है, तभी वह एक सैद्धांतिक रूप से जो कुछ भी नॉलेज वालों को दी जाती है उसका कोई बेनिफिट बच्चे को मिल पाता है। अर्थात ज्ञान का जो तीसरी अवस्था में जो प्राप्त होता है वह सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप देखिए, सैद्धांतिक रूप में भी हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। अब दूसरी बात जो इसके अंतर्गत आती वह है व्यवहारिक ज्ञान। जब हम सैद्धांतिक की बात कर रहे हैं तो अब व्यवहारिक बात हमें सामने साफ स्पष्ट है कि जो प्रायोगिक रूप से हम उपयोग में लाते हैं वही व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। यानी कि जो सैद्धांतिक ज्ञान था, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब हम उसको प्रैक्टिकली उपयोग में लाते हैं या व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग करते हैं तब वह व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान का जो ये पक्ष है या ज्ञान का जो ये आधार है, उस आधार के अनुसार ज्ञान की किस किस रूप में हमारे सामने पाया जाता है, तो सबसे पहला है इसका उपयोगिता, यूज। इसकी उपयोगिता का होना, यूटिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ये उपयोगी होगा तभी हम इसका उपयोग करते हैं। और जो सैद्धांतिक ज्ञान है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब उसका हम व्यवहार में बिहेवियर में उसका यूज करते हैं, उपयोग में लेकर आते हैं, तभी वह जब उपयोग में लाया जाता है, उसका यूज किया जाता है, तभी हम कहते हैं कि यह यूजफुल है या इसकी यूटिलिटी हमें समझ में आती है। इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान के लिए जो है उसमें सबसे पहली चीज आती है उसकी उपयोगिता या यूटिलिटी का होना अनिवार्य, तभी वह उपयोगी है। अगर उसका कोई उपयोग नहीं है, किसी प्रकार की कोई यूटिलिटी नहीं है, हम कुछ भी प्रयोग करें उसका किसी भी प्रकार का कोई यूज ही नहीं है, कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उसका उपयोग करना या उसको कार्य करना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान यानी कि बिहेवियर नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है या प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि वह उपयोगी होना चाहिए। अगली बात इसमें है वो है क्रियाशीलता। ज्ञान को समझने की कर रहे हैं, इस समय हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है,
का मतलब यहाँ बिहेवियर नॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वह पैटर्न सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल नॉलेज का चल रहा है। इसीलिए जो बिहेवियर नॉलेज है या प्रैक्टिकली नॉलेज है उसके अंदर जरूरी है कि उसमें एक्टिवनेस का होना बहुत अनिवार्य है, तभी वह प्रैक्टिकल वर्क कहलाता है अन्यथा नहीं। अगली बात इसमें आ रही है प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन यानी कि प्रयोगों का प्रदर्शन करना, यानी कि उनको डेमोस्ट्रेशन देना, ये इसका प्रैक्टिकल नॉलेज का के ऊपर बेस्ड होता है। अर्थात जैसे साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी में प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन होना अनिवार्य, उसके बिना साइंस कंप्लीट माना ही नहीं जाता है। यानी कि किसी भी साइंस के किसी भी फैक्ट को अगर हम जांचना चाहते हैं या उसकी हम उसके बारे में पूरी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उसका प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन प्रस्तुत करें या बच्चों को करके दिखाएं, तभी बच्चा उस काम को खुद भी कर सकेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि वायर के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है और एक नेगेटिव, उसे प्लस और नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी कि जब हम जैसे कि सेल होता है, बच्चा जब किसी रिमोट में या अपनी गाड़ी के अंदर सेल लगाता है तो उसमें बच्चे को प्लस और माइनस का ज्ञान होना चाहिए कि प्लस की तरफ कौन सा पॉइंट लगेगा और माइनस की तरफ कौन सा पॉइंट लगेगा, क्योंकि एनर्जी में पॉजिटिव और मतलब प्लस और माइनस जो एनर्जी है वो पाई जाती है। इसीलिए माइनस की तरफ माइनस लगाते हैं और प्लस की तरफ हम प्लस को लगाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जब प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखाया जाता है बच्चे को या करके उसको करते हैं तो बच्चा उस चीज को आसानी से शीघ्रता से समझ पाता है। इसीलिए बिहेवियर नॉलेज के अंतर्गत प्रयोग प्रदर्शन या डेमोस्ट्रेशन का होना जरूरी होता है। अगली बात इसके अंदर आती है कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स का डेवलपमेंट होता है जो काम कौशल बालक करना चाहता है। जैसे कि वह हॉकी खेलना चाहता है तो हॉकी खेलने की स्किल क्या होगी उसका, उसमें जब तक वो प्रयोग में बिहेवियर में या उसका प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो स्किल उसमें डेवलप नहीं होगी। इसीलिए इसके अंतर्गत बिहेवियर नॉलेज के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। उसके बाद में है विकास का आधार, बेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का आधार बेस ऑन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट पर या विकास पर इसका मूल आधार बना रहता है या इसकी सोच या इसका जो दृष्टिकोण है इसका जो व्यू है वो डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। क्योंकि जब तक उसको व्यवहार में आगे प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक उसमें आगे उसका विकास संभव नहीं है। फिर वास्तविकता के समीप, वास्तविकता के समीप, ठीक है, यानी कि रियलिटी के बहुत नजदीक होता है, बहुत पास होता है। क्योंकि जो कुछ किया जाता है उसको करके बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, इसीलिए इसे वास्तविकता के नजदीक माना गया है। कल्पना का अभाव, कल्पना का अभाव इसमें किसी भी प्रकार की ये कहा जाए कि इमेजिनेशन की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती कि कल्पना के आधार पर हम किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते। इसीलिए बिहेवियर नॉलेज के अंदर कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। अंतिम बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समीप, वैज्ञानिकता, अंतिम बात जो है वैज्ञानिकता है, यानी कि इसके अंदर वैज्ञानिक तथ्यों या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। क्योंकि विज्ञान के आधार पर किसी भी तथ्य को हम बिना उसके प्रमाणित नहीं कर सकते, बिना जांचा करके या बिना निष्कर्ष निकाले। इसीलिए बिहेवियर नॉलेज का जो संबंध है वो
वैज्ञानिकता के नजदीक बहुत दृष्टिकोण जो उसका है साइंटिफिकली फैक्ट के बहुत नजदीक होता है। तो उसी के आधार पर आज आपको एक क्वेश्चन करना है कि ज्ञान के सैद्धांतिक सैद्धांतिक और व्यवहारिक व्यवहारिक तथ्यों को समझाइए। ठीक है, ज्ञान के व्यवहारिक और सैद्धांतिक तथ्यों को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगा के निकलें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।